असल टूडे आवर टॉपिक इज अबाउट कार्टीजियन प्रोडक्टन इज लेट एंड बी बी टू से और बी और दीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ए कार्टीजियन प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से इज द सेट ऑफ आल ऑर्डर पेयर और ये कौन सा सेट होता है वो सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए बी की फॉर्म में लिखते हैं जिसमें ए जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है मतलब कैपिटल ए से बिलोंग करता है और जो बी है वो बी से स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से मतलब सेकंड सेट से बिलोंग करता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है ए क्रॉस बी कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए दिस इज एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी ए बिलोंग टू मतलब फर्स्ट जो पेयर है वो पहले साइड से बिलोंग करता है सैकड़ जो है वो सेंकंड साइड से बिलोंग करता है इसको हम क्या कहते हैं हम इसको कार्टीजियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे एक डेफिनेशन अब इसे हम ना कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास व्हाट इज दर्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए वन टू जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वन और टू हैं सेट बी है उसके एलिमेंट ए बी सी है हमने ए और बी की कार्टीजन प्रोडक्ट बतानी है ए बी की कार्टीजियन प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और आपको पता है ये एक सेट ही होगा जिसको आप करली ब्रैकेट्स में लिखोगे और हर एलिमेंट को आप कोमा सेपरेट करोगे और जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे इसको हम ऑर्डर ऑर्डरपेयर लिखेंगे कैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा फॉर एग्जांपल ये देखें ये ए बी था ऑर्डर पेयर इसमें जो ए है वो कैपिटल ए से आएगा जैसे देखें वन और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आएगा बी बी सेट से वन ए फर्स्ट एलिमेंट को हम फिक्स करेंगे और बी से इसको करेंगे वन ए वन बी वन सी बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे ए का टू फिर टू ए टू बी टू सी इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कार्टीजियन प्रोडक्ट है ए और बी की ए और बी की जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल नहीं होती अब इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं होते क्योंकि अगर आप देखें वन इज नॉट इक्वल टू ए वन अगर आप प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स uh, को देखें ये ऑर्डर पे देखें तो ये कोई और जगह पे लाए करेगा ये कहीं और लाए करेगा मतलब अगर आप इसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रा करें ठीक है और अगर मैं कहती हूं ए टू है तो वन टू और यहां से टू वन अब वन टू का मतलब है एक्स वन और वाई टू मतलब ये यह पॉइंट यहां लाए कर रहा है लेकिन टू वन का क्या मतलब है कि एक्स टू और ये पॉइंट यहाँ लाए कर रहा है ये पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ऑर्डर पेयर्स इक्वल नहीं होंगे अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे एक की जगह बी और बी की जगह ए करेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं रहेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट ए और बी की सिर्फ तभी इक्वल होगी जब ये दोनों फाये होंगे मतलब एम्प्टी सेट अगर ए बी एम्प्टी सेट होगा और बी भी एम टी सेट होगा तो हम कहेंगे कि इनकी जो कार्टिजन प्रोडक्ट है वो दोनों की क्या है इक्वल है मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ठीक है मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट ए बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए सिर्फ तब होगा जब ये एम टी सेट होंगे ए और बी दोनों इसी एग्जाम्पल को भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेट ए था वन टू बी है ए बी सी हमने ए क्रॉस बी ए की कार्टिजन प्रोडक्ट बी से लिए अब हम बी क्रॉस ए देखते हैं तो बी क्रॉस ए की कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होगी बी के एलिमेंट थे ए बी और सी ए के एलिमेंट हैं वन एंड टू तो हमने जब कार्टिजन प्रोडक्ट लिखनी है तो, तो पहला पेयर हमने फर्स्ट सेट का उठाना है यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है वो है बी तो फर्स्ट सेट का हमने एलिमेंट उठाना है, का है। बी का एलिमेंट हमने उठाना है मतलब बी का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ए इसको फिक्स कर लेना है और ए के सेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ए वन फिर ए टू ठीक है अब दूसरा एलिमेंट लेंगे बी का इसको फिक्स कर लिया फिर इसके पहले एलिमेंट से फिर इसके दूसरे एलिमेंट से फिर तीसरा एलिमेंट ले लेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सी वन सी टू तो ये फिर इसकी क्या आ जाएगी कार्टीजियन प्रोडक्ट यहाँ पे आप सी वन और सी टू राइट करेंगे तो आप देखें कि जो पहले कार्टीजियन प्रोडक्ट आई ए बी वो इक्वल नहीं है बी ए के तो हम ये रिजल्ट यहाँ से प्रूव हुआ है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है एम सी बी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कार्टीजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती नेक्स्ट है कि कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगी अगर ए हमारे पास है जीरो वन बी है वन टू सी है जीरो वन टू इसकी हम अगर हमारे पास ट्रिपल आ जाए मतलब ऑर्डर पेयर में थ्री एलिमेंट्स आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे अब देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमने फाइंड करना है तो ए का एलिमेंट है जीरो इस ज़ीरो एलिमेंट को हमने फिक्स कर लिया ठीक है फिर हमने बी का एक एलिमेंट फिक्स किया और ए मतलब जीरो वन फिक्स हो गए और सी के हर एक एलिमेंट से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है अगर आप देखें यहां पे जीरो वन जीरो वन जीरो वन और ये एलिमेंट चेंज हो रहा है जीरो वन टू ये किसका एलिमेंट था सी का मतलब ए का एक एलिमेंट लिया बी का पहला एलिमेंट लिया उसको फिक्स किया और हम चेंज किस में कर रहे हैं सी में अब ए का एलिमेंट जो है ये सेम रहेगा बी का सेंकेंड एलिमेंट हमने चेंज करना है वो कैसे होगा देखें ए का पहला एलिमेंट सेम है अब देखें ए का पहला एलिमेंट लेके हमने बी का फर्स्ट लिया अब ए का पहला लेके बी का सेंकेंड एलिमेंट लेंगे बी का सेंकेंड एलिमेंट क्या है टू तो जीरो टू फिक्स हो गया ये देखें जीरो टू जीरो टू अब चेंज क्या हो रहा है सी का एलिमेंट सी का एलिमेंट क्या है जीरो वन टू अब अब हमने जीरो वन ए के लिए कर लिया पहले हमने जीरो के लिए कर लिया ए का एलिमेंट हमने जब जीरो फिक्स किया जीरो को वन के साथ फिक्स करके हमने इसमें चेंजिंग की फिर हमने जीरो को टू के साथ फिक्स करके इसमें चेंजिंग की तीनों के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया अब हमने जीरो को कर लिया अब हम किसको करेंगे हम वन को करेंगे वन को वन के साथ फिक्स करके इसको चेंज करेंगे अब वन को वन से फिक्स किया जीरो वन टू फिर वन को टू से फिक्स करेंगे वन टू वन टू वन टू और ये सी का पेयर चेंज हो रहा है ओके सो आपने ये बात याद रखनी है कि जो सेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो आपस में इसके इक्वल नहीं होता मतलब अगर आप ऑर्डर पेयर ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाले ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते इस चीज़ को आपने याद रखना है नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है वन टू और हमने फाइंड करना है ए स्केयर ए स्केयर को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं ए क्रॉस ए इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो सेट होगा वन टू और सेंकेंड सेट भी कौन सा होगा वन टू इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है कार्टिजन प्रोडक्ट का अब इसको आप जब करेंगे तो इसमें ये ऑर्डर पेयर वन 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 टू टू वन टू टू ये ऑर्डर पेयर आ गया ए स्केयर का फिर जब क्यूब करेंगे तो हम क्या करेंगे वन वन ये जो इसकी प्रोडक्ट का आंसर आया ए स्केयर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा ए के साथ तो ये क्या आ जाएगा ए का क्यूब तो ये आप एग्जांपल यहां से देख लें ए स्केयर ए क्यूब अगर आपको ए की पावर कोई भी फाइंड करने के लिए आता है ए फोर आता है तो आप क्या करेंगे ए स्केयर फाइंड कर लेंगे ए स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जो इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर फोर आ जाएगा ए क्यूब के लिए हमने क्या किया ए स्केयर जो हमारा आंसर आया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया अगर आपको ए फाइफ आता है तो आप ए स्केयर और ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर फाइव आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिलेशन की रिलेशन क्या होता है कहते हैं क्या सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट अब हमारे पास एक कार्टिजन प्रोडक्ट थी एक रॉस बी मतलब हमारे पास कोई से दो सेट थे ए और बी उसके हमने कार्टिजन प्रोडक्ट लिखी मतलब उसके सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए जितने भी ऑर्डर पेयर थे ये सारे हमने ऑर्डर पेयर उसके लिखे लिख के उसके कोई एक सबसेट जब हम लेंगे वो क्या कहलाएगा रिलेशन मतलब इसका कोई छोटा सा पार्ट कोई दो तीन पेयर या एलिमेंट्स जब हम लेंगे तो उसको हम उसको हम क्या कहेंगे रिलेशन कहेंगे अब रिलेशन की वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि आ सबसेट आर ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट इस कार रिलेशन हम आर को रिलेशन कहेंगे कौन से सेट से सेट ए से सेट बी की तरफ द एलिमेंट ऑफ आर आर ऑर्डर पेयर सेट आर के जो एलिमेंट हैं वो सारे भी क्या होंगे ऑर्डर पेयर होंगे और उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो बी से बिलोंग करेगा अब वो हमें रिलेशन की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ए जीरो ए वन ए थ्री बी वन बी टू सी जीरो सी थ्री वो कहते हैं कि ये रिलेशन है सेट ए बी सी से जीरो वन टू थ्री अब अगर मैं यहाँ पे सेट लिखूँ ए बी सी ये एक सेट है जिसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया और दूसरा सेट है जीरो वन टू थ्री अगर आप देखें तो इसके एलिमेंट्स जो थे वो आने हैं जीरो ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ये वाले एलिमेंट आने लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ए ज़ीरो ए वन ए टू नहीं लिखा हुआ ए थ्री लिखें मतलब सारे एलिमेंट नहीं लिए उसका कुछ छोटा सा हिस्सा ले लिया अब दूसरा देखें बी को जब मल्टीप्लाई किया तो आना था बी जीरो बी वन बी टू और बी थ्री यहाँ पे क्या लिखा बी वन और बी टू मतलब बी थ्री को नहीं लिया अब सी का जब आप देखेंगे तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है सी जीरो सी वन सी टू और सी थ्री अगर जब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चार पेयर आने थे तो यहाँ पे उन्होंने सी जीरो और सी थ्री लिखा है मतलब पूरी जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है उसके कुछ एलिमेंट्स जब हम लिख लेंगे कुछ ऑर्डर पेयर्स को लिख लेंगे वो क्या कहलाएगा वो रिलेशन कहलाएगा रिलेशन पूरे का पूरा आ, कार्टीजियन प्रोडक्ट का सेट नहीं होता उसका कोई छोटा सा सबसेट होता है अब वो सबसेट उसमें कोई दो एलिमेंट भी आ सकते हैं तीन एलिमेंट भी आ सकते हैं एक एलिमेंट भी आ सकता है ठीक है तो ये आपने देख लिया कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज्यादा एलिमेंट होंगे लेकिन इसके रिलेशन में उन्होंने सिर्फ सात एलिमेंट लिखे हैं नेक्स्ट रिलेशन बता रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इट मतलब सेट ए का ए से ही जो रिलेशन है उसको रिलेशन ऑन ए कहते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है वट इज दर्डर पेयर्स इन लेस और इक्वल टू रिलेशन अब रिलेशन है लेस और इक्वल टू अब कह रहे हैं ए बी ऑर्डर पेयर ए बी की फॉर्म में हो और ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से और सेट हम हमें कौन सा दिया है जीरो वन टू एंड थ्री अब हमने ऑर्डर पेयर लेना है रिलेशन बनाना है जिसमें जो पहला पेयर हो वो छोटा होना चाहिए दूसरे पेयर से मतलब मैं जो भी एलिमेंट लूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ वन एंड टू तो ये पहला एलिमेंट जो है ना ये इस एलिमेंट से छोटा होना चाहिए मैंने कोई ऐसा रिलेशन बनाना है सो लेट्स सी अगर मैं इसके सेट को ए का नाम देती हूँ इस सेट को मैं ए का नाम देती हूँ वन जीरो सॉरी जीरो वन टू थ्री और इस सेट को इसी से मल्टीप्लाई अगर हम करें इसको हम इस तरह राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई ए जीरो वन टू थ्री था सेट में मैं ए राइट कर देती हूँ ए जो है जीरो वन टू और थ्री ठीक है अब हमने एक रो से जब निकालना है अब इसके ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं ऑर्डर पेयर के क्या होंगे जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो के साथ सबको मल्टीप्लाई किया फिर वन से वन जीरो वन 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 टू वन थ्री अब टू से करें टू जीरो टू वन टू टू, टू 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 थ्री अब थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री जीरो थ्री वन थ्री टू एंड थ्री थ्री मतलब इट्स सेल्फ रिलेशन था तो हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया है अब ये सारे इसके पेयर आ गए हैं जो देखें ये कितने पेयर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं टू की पावर फोर ये इसमें फोर एलिमेंट्स थे इसको हम कैसे लिखेंगे टू की पावर फोर विच इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर इन ए क्रॉस ए अब हमारा क्वेश्चन था कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं रिलेशन के अंदर जिनकी अगर मैं मतलब ऑर्डर पेयर जो ए लेस और इक्वल होना चाहिए बी मतलब जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट हो वो दूसरे एलिमेंट के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो तो जरा देखें ये हमारे रिलेशन में जीरो जीरो आएगा दूसरा हमारे रिलेशन में, में जीरो वन आएगा देखें जो सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा है ये भी आएगा ये भी आएगा पहली फर्स्ट रो में आप देखें तो जीरो जीरो में इक्वालिटी होल्ड कर रही है मतलब दोनों आपस में इक्वल है यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि इक्वल हो या तो ए इक्वल टू हो बी के और यहां ए छोटा हो तो देखिये जीरो छोटा है वन से जीरो छोटा है टू से जीरो छोटा है थ्री से दूसरा अगर आप ये देखें सेंक रो इसमें वन जो है वो छोटा नहीं है मतलब पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरा क्या है छोटा है तो ये नहीं होल्ड करेगा ये इसमें नहीं आएगा फिर ये वाला पेयर इक्वालिटी में आ जाएगा और फिर पहला पेयर छोटा है दूसरा बड़ा है ये वाला आ जाएगा पहला पेयर छोटा है सॉरी पहला एलिमेंट छोटा है दूसरा बड़ा है ये वाला एलिमेंट आ जाएगा ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा ये पेयर आएगा ये आएगा और बस इसमें से ये आएगा उसके बाद यहाँ से ये वाला पेयर आएगा तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये हमारे पास कितने टोटल बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये टेन जो हैं पेयर्स हैं ऑर्डर पेयर्स हैं जो रिलेशन में आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड था इस रिलेशन में देखें ये वाले टेन जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री वन 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 टू वन थ्री और टू 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 थ्री एंड थ्री थ्री तो ये सारे रिलेशन में आगे जो रिक्वायर्ड था वो कह रहे थे कि ऑर्डर पेयर जो लेस देन इक्वल टू हो रिलेशन इक्वल टू रिलेशन हमने बनाना था जिसमें ये क्वालिटी होल्ड करे एस इक्वल टू बी हो तो हमने वो रिलेशन बना दिया जिसको हमने आर कह दिया और उसके ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं